बीते 6 महीनों तो नगर निगम के मुलाजमान नूं तनखाहां ना मिलन दे चलदिआं मुलाजमान ने नगर निगम जोन ए दफ्तर दे बाहर धरना दिता है। उन्होंने कहा यह धरना 2 घंटे लई दिता गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार तो जल्द तनखाहां लागू करन दी मांग भी की। उन्होंने कहा यह धरना अगे वड्डा रूप लै सके, इसलिए सरकार उन्होंने दीआं मंगां वल ध्यान देवे। इस नाल ही उन्होंने अपनी मंगां नूं लैके मीडिया नाल गलबात की। और जिहड़ी असीं अज गेट रैली कर रहे हैं, ये चेतावनी रैली है, क्योंकि साढ़े जिहड़े मुलाजम नवे पक्के किए गए हैं 18/6/2021 तो पहला, उन्होंने 7 महीने हो चुके हैं, उन्होंने कोई तनखा नहीं दी गई है। और सानू पता लग्या भी वह कह रहे भी 8,000 के हिसाब से तनखा दे दो 5 महीने की, लेकिन साढ़ा 8,000 ना नहीं सरदा। जो पहले पक्के हुए हैं 84 हुए है, 86 हुए है, 92, 93, 91 च हुए है, कदे भी इदा कोई होया नहीं भी पूरी तनखा दिती है। जो नुक्ति पत्र के लिखा हुआ वो तनखा दिती है। असी 24 तारीक न चेतावनी दे गए सके भी जे सू तनखा नहीं दिती गई तो असी ये जोन तो गेट रैली करा। विधायकों दसे सारे विधायक लैटर दी कमिश्नर। अच्छा जी। हाँ, मेरा नाम मिंकल बिरला जी, जय भीम साथियों। जिमें तुहानू सब नू पता, तुसी पहला भी कैप्चर करते रहे हो, पिछले दिन 56 दिन जिहड़ा कड़ा संघर्ष करके सफाई कर्मचारी संघर्ष कमेटी जिहड़े मुलाजम साथियों नू रैगूलर करवाया सी, उहनां नू 6 तों 7 महीने हो गए जिन्हां दी तनखाह हुण तक नहीं आई। पिछले दिन ही असी माणयोग विधायक साहब आम आदमी पार्टी तो पप्पी पराशर जी उन्होंने भी मैमोरेंडम दे के आए थे, नगर निगम की जी कमिश्नर मैडम उन्होंने भी मैमोरेंडम दे के आए थे भी इन्हां ते चिंता जाहिर की जाए। पर किसी भी सरकार ने नुमाइंदे ने किसी भी कारपोरेशन नुमाइंदे ने इन मुलाजम साथियों की जी सार वो नहीं ली, जिस कारण सानू मजबूरन गेट रैली करनी पै रही है जी। अगला की रहूगा जेकर तनखा नहीं आती? अज एक चेतावनी रैली के रूप से असं कर रहे हैं, अगली रूपरेखा बड़ी जल्द असं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुहानू दस दित्ती जाऊगी। 6 तों 7 महीने हो गए जिहड़े हुण रैगूलर होए आ उन्हां दी तनखाह नहीं आई, पर जिहड़े पहलां तों वी पक्के आ उन्हां दी वी तनखाह नहीं आ रही, ते डीसी ग्रेड दे बंदे आ उन्हां दी वी तनखाह नहीं आ रही। मैं तुहानूं साहब तां कहिंदे वी सारिआं दी तनखाह जा रही महीना बाई, विधायक साहब नूं कहिंदा मैं अपनी तनखाह मुलाजमां नूं दे दो। जे स्मार्ट समिति तों तुसीं गल करदे हो, तुसीं बुढ़े दरिया की गल करते हो, साफ सफाई तो यही लोग करते हैं। मैं कहना एक एक सैलरी दो मुलाजम साथियों इन्हों के परिवार चलन, इन्हों के बच्चे की एडमिशन होवे, इन्हों का घर घर का खर्चा चले। नियुक्ति पत्र के आधार पर 18,000 सैलरी देनी चाहिए है घट्टो घट, पर 8,000 के हिसाब से कि तनखा बना लगे आई है तनखा नहीं आई, किसी से भी एक रुपया नहीं आया किसी भी सरकार वालों ना ही कारपोरेशन लुधियाना वालों। 6 महीने हो गए जी। लुधियाना लाइव लई सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।